बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, राज रसिक के कोमल नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री बीतक साहब, 102 दिन सुंदर साथ जी, 102वां दिन है आज, 102nd day। रोए के कदमों लगा अपनी कही बीतक, मुझे तमाचा मार के मोह फिराया हक। क्या कह रहे हैं महावजी भाई के, नहीं ये हो रहा है सुंदर सा जी, याद रखना है हमारे लिए लिखा गया आज, तब हुआ जरूर था, बहाना उनका जरूर बना, पर ये तमाचा हमारे मुख पर मारा जा रहा है ताकि हम अहंकार में भूल कर ये ना सोचें कि नहीं जाएंगे। हमें ऐसा क्यों कह दिया धनी जी ने, हमें सतगुरु ने ऐसी बात क्यों कह दी, कभी इस प्रकार नहीं सोचना। एक-एक घटना के माध्यम से पिया जी हमें सिखापन दे रहे हैं। आइए चलते हैं, सबसे पहले गंगा बेन की ओर से बहुत प्यारा श्री मुखवाणी गायन। प्रणाम जी गंगा बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर सा जी, सोनिया जी, प्रणाम जी। सागर प्रकरण 11, सुंदर साथ का श्रृंगार, पियो नेत्रों नेत्र मिलाइए, पासली चौपाइयों में रंतन गा रही हूँ। आप प्रेम भाव से चितवन में डूबकर दामदणी को याद कर सुनिए। प्रणाम सुंदर सा जी। बोलिए सी प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, दाम के धनी की जय। पीयू नेत्रो नेत्र मिलाई, पीयू नेत्रो नेत्र मिलाई, जो पजे आनंद तिगम, तो प्रेम रसायन पीजिए, तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म छे उत्पन्न, पीयू नेत्रो नेत्र मिलाय, आत्मा अंतस्करण विचारिये, अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त प्रेम आवही, बढ़त प्रेम आवई, पर आत्मा सन मुख, पीयू नेत्रो नेत्र मिलाई, इतथे नजर ना फेरिए, पलक नदी जे नैना, निके स्वरूप जो निराखिए, निके स्वरूप जो निराखिए, जो आत्मा होए सुख चैना, पीयू नेत्रो नेत्र मिलाई, पीयू नेत्रो नेत्र मिलाई, तब प्रेम जो उपजे, रस पर आत्मा पहुँचाए, तब नहीं न किसे न कछु हो वही, तब नहीं न किसे न कछु हो वही, तब
अंतर आखा खुल जाए, पीयू नेत्रो नेत्र मिलाए, अंतस्करण आत्मा के, जब ए रहो समाए, तब आत्मा पर आत्मा के, तब आत्मा पर आत्मा के, रहे ना कछु अंतराए, पीयू नेत्रो नेत्र मिलाए, शोभा मुखारविंद की, जो कर कहू तेज ज्योत, रसभरियो रसीला दुल्हा, रस भरो रसीला दुल्हा, जामे नित नई कला उद्योत, पीयू नेत्रो नेत्र मिलाए, बल बल चुबा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूषण, बल बल मीठी मुस्कानी, बल बल मीठी मुस्कानी, बल बल जाऊ खीन खीन, पीयू नेत्रो नेत्र मिलाए, बलम बल बंकी पाग की, बल बल बंके नैना, बलम बल बंके मरो रात, बल बल बंके मरो रात, बल बल चातुरी चैना, पीयू नेत्रो नेत्र मिलाए, बल बल जाऊ चरण की, बल बल चितवन हेत, बल बल नख शिख सब अंगो, बल बल नख शिख सब अंगो, बल बल जाऊ पल पल, पीयू नेत्रो नेत्र मिलाए, बल बल पिया जी के प्रेम पर, बल बल धनी जी के प्रेम पर, बल बल चितवन हेत, श्री महामत बल बल सब अंगो, श्री सुंदर साथ बल बल सब अंगो, फिर वारने लेत, पीयू नेत्रो नेत्र मिलाए, जो उपजे आनंद तिगम, तो प्रेम रसायन पीजिए, तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पन्ना, पीयू नेत्रो नेत्र मिलाए, पीयू नेत्रो नेत्र मिलाए, पीयू नेत्रो नेत्र मिलाए, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सोनिया जी, प्रणाम जी सुंदर सर जी, प्रणाम जी कोटानकोट, प्रणाम जी। प्रणाम जी गंगाबेन, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इतना मीठा वाणी गायन करने के लिए और हम सबके हृदय में
पियो नेत्रों नेत्र मिलाइए, अति अति सुंदर वाणी को हमारे हृदय में बसाने के लिए गायन के थ्रू, मीठे स्वरों के थ्रू। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साहब जी, अब चलते हैं हमारे अति सुंदर प्रसंग यानी तीन किरंतन जो उतरे मस्कत बंदर में, उसके बाद कैसा प्रसंग वो चलता है। सबसे पहले तो वो जो दो चार कीर्तन लिखते हैं उनको लिखते हैं, तो आइए चलते हैं सुंदर साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए, श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कहते हैं रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गमार, दुनिया को तू कहा पुकारे, ए आपनों करे आहार, ए आपनों करे आहार। दुनिया के लोग तो बावरे हैं, अपना जन्म गवा रहे हैं, इसको तू क्या पुकार रहा है, ये तो अपने आहार में बिजी हैं। इनके जो माया के विषय के सुख है ना, ये उसमें बिजी हैं, इनको इतना मत पुकारो, अपने आप को देखना है सुंदर साथ जी, कहीं हम भी इस आहार में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का आहार ही तो अपने अंदर नहीं उड़ेल रहे। आहार केवल खाना नहीं होता है, वो कानों से भी अंदर जाता है सुंदर साहब जी। पूरा दिन क्या क्या सुनते हैं हम, कौन कौन सी बातें सुनते हैं, वो भी आहार अंदर जाना होता है, ना मुख से ना कानों से किसी भी इंद्री से इस प्रकार का आहार नहीं लेना जो आत्म जागृति की मार्ग में बाधा बन जाए। तो इसलिए अब अगला किरंतन सुंदर साहब जी, तू भूल ना महामत संभार अपना आप, ये श्री बीतक साहब की चौपाइयां हैं। तू भूल ना महामत, हे मेरी आत्मा, महामती जी कह रहे हैं तू अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को भूलना मत, संभार अपना आप, अपने आप को संभाल। सब स्याने अपने काम में लगे, तो ही विरहा धाम का ताप, संभार अपना आप, तो ही विरहा धाम का ताप। क्या कह रहे हैं, सारे स्याने लोग अपने काम में लगे हुए हैं, ये संसार के बुद्धिमान कहलाने वाले लोग अपनी बुद्धि का व्यय, अपना स्यानापन कहाँ दिखा रहे हैं, माया को जोड़ने में, माया को सहेजने में सारी बुद्धि अपनी वहां व्यय कर रहे हैं। बड़े स्याने अपने काम में, हम अपने काम में कितने स्याने हैं। हम अपना जो हमें राजी ने विवेक बुद्धि दी है, जो जागृत बुद्धि के अधिकारी उन्होंने हमें बनाया है, निज बुद्धि का अधिकार भी दिया हुआ है, हम उसको प्राप्त नहीं करते हैं। बस हमारी आत्म उस स्टेज तक जा सकती है, अवेलेबिलिटी है, बट वी आर नॉट अवेलिंग दैट, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। कहते तुम कहाँ व्यय कर रहे हो, तो हे क्या होना चाहिए, बिरहा धाम का ताप तुम्हारे अंदर, वहां समय तुम्हें व्यय करना चाहिए, विरहा करने में समय व्यय करना चाहिए। तुम कहाँ समय व्यय कर रहे हो, तुम इन स्यानों के पीछे लग गए हो, माया के स्यानों के पीछे, जो जो वो कर रहे हैं तुम उनको कॉपी करने लग गए हो। हम यहाँ प्रेम लेकर, ब्रह्म सृष्टि प्रेम लाई है दुनिया में ने, तो उनको हमारे पीछे चलना चाहिए था, अखंड सुख प्राप्त करने के लिए, प्रेम की सुगंधी लेने के लिए हम उनके पीछे चलने लग गए, हमें लगा यही स्यानापन होता है। पर नहीं सुंदर साहब जी, हमें कैसे करना है, कहते हैं संसार में बुद्धिमान कहलाने वाले लोग अपने माया के काम में लगे हुए हैं, लेकिन तुझे तो ये अपने लिए सुंदर साहब जी, उनको तो सताता है कष्ट, अभी नहीं सता रहा, उनको तो मिल चुके हैं, तो प्रबोध करते हैं साथ साथ, कहते हैं तुझे तो परम धाम के विरहा का कष्ट सता रहा है, वो अपने स्यानेपन में लगे रहे,
धर्म प्रचार के, बहुत सुंदर भावार्थ लिखा है स्वामी जी ने, धर्म प्रचार के विरोध में वही लोग खड़ा करते हैं विरोध जिनको ना तो प्रियतम से अक्षरातीत से प्रेम होता है ना ही आस्था होती है। तो विरोध में कौन खड़ा होता है, बहुत ध्यान से सुनते जाना है सुंदर साहब जी। ना तो उनको प्रियतम अक्षरातीत से प्रेम होता है ना उनको कोई आस्था होती है, वो मात्र अपनी रूढ़िवादिता के संरक्षण के लिए कि जो मैं समझता हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है, मैं रूढ़िवादी हूँ क्योंकि मैं ये समझता हूँ तो ये बिल्कुल सही है, उसकी रक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं। कैसे, सामने तैयार नहीं होते लड़ने के लिए, इंप्रेशन खराब हो जाता है, धर्म के पर्दे में लड़ने के लिए तैयार होते हैं, आगे पर्दा धर्म की ओट, नरम सा पर्दा, ओट नरम रख के धर्म की आड़ लेकर लड़ने के लिए हमेशा जो तैयार होते हैं वो अपने पक्ष, अपना जो थॉट प्रोसेस है उसका संरक्षण कर रहे होते हैं कि आई एम ऑलवेज करेक्ट, आई कांट बी रॉन्ग, अपनी ईगो अपने अहंकार की सुरक्षा के लिए। तो कहते वही लोग खड़ा करते हैं ये विरोध जिनको ना तो प्रियतम अक्षरातीत से प्रेम होता है और ना ही उनके प्रति कोई आस्था होती है। इस चौपाई में स्वामी जी लिखते हैं यही भाव दर्शाया गया है। सामान्यतः ये माना जाता है कि महामति शब्द का प्रयोग संवत 1732 में मेड़ते से होता है, किंतु इस चौपाई में महामति शब्द का प्रयोग स्पष्ट करता है कि उसके पहले भी महामति शब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि श्री जी विक्रम संवत 1725 में मस्कत बंदर पहुंचे थे। 1732 मेड़ते में कहते हैं पांचों शक्तियां, जब मोहम्मद साहब का भी पूरा कुरान पक्ष भी खुलना शुरू हुआ था उसके बाद महामति लिखा गया, परंतु 1725 में मस्कत बंदर में भी हमने जो प्रकरण पढ़े थे उनमें भी महामति शब्द का प्रयोग हुआ है सुंदर साहब जी। इसी प्रकार हब्से में जो वाणी अवतरित हुई, श्री प्रकाश गुजराती की प्रकट वाणी में जो प्रसंग हमने प्रकरण नंबर 37 37 जो हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला के लिए मुख्य रूप से पढ़ा था उसमें भी महामति शब्द का प्रयोग हुआ है, और उसमें लिखा है साथ वचन सांभलिया एह वासनाएं कीधा मूल स्नेह ते माहे एक इंद्रावती कहे वाणी सहु मां महामति। ये चौपाई सुंदर साजी ने बहुत सुंदर सजाई हुई है क्योंकि सारे पीडीएफ आज बंद हो गए थे किसी वजह से, वो मैं अभी आपको दिखा नहीं पा रही पर मैं खोल लूंगी। तब तक हम जो स्वामी जी ने लिखा हुआ है अपनी 2018 की चर्चा में जो उन्होंने बोला था, जो किताब छप कर आई है 2018 की श्री बीतक साहिब चर्चा, बहुत सुंदर सुंदर बातें जो मिस नहीं की जा सकती किसी भी हालत में, आइए चलते हैं किसी भी कीमत पर। श्री जी बहुत ध्यान से सुंदर साहब जी सीखने वाली बातें हैं ये। श्री जी जहां जहां जा रहे हैं आप देखेंगे कोई आवश्यक नहीं है वहां कोई परिचित हो, कोई अपना रहता हो, कोई जानने वाला जो उनका अरेंजमेंट कर दे सारा, रहने का, खाने पीने का, दिनचर्या का, या वहां पर शिविर अरेंज कर दे कोई, नहीं। आप देखेंगे कोई आवश्यक नहीं है वहां कोई जान पहचान वाला हो, कोई परिचित हो। आज किसी भी धर्म प्रचारक से पूछिए कि वहां कार्यक्रम करना है तो धर्म प्रचारक घबराएगा, मेरी वहां सुनने वाला कौन होगा, कोई परिचित है कि नहीं, आयोजन कौन करेगा, मेरे ठहरने खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा। श्री जी के व्यक्तित्व के रूप में श्री राज जी हमारे सामने उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं, कोई भी जानता पहचानता ना हो, जब नदी का जल पर्वत से चल पड़ता है तो अपना रास्ता स्वयं बनाता है, उसको कोई नहीं जानता, नदी का जल जानता नहीं है आगे किस किस प्रकार के पर्वत या कैसी चट्टाने आने वाली हैं, वो रास्ता बनाता चला जाता है। जैसे श्री जी चलते जा रहे हैं कोई घबराहट नहीं, वहां कोई जानता है नहीं जानता, अरेंजमेंट्स कैसे होंगे, किसी प्रकार की किसी घटनाएं कठिनाई की उनको घबराहट नहीं है, अक्षरातीत हैं सुंदर साहब जी। अंदर बल कौन कार्य कर रहा है, पिया जी स्वयं अंदर बैठकर कार्य कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं जागनी रास की लीला। कहते हैं जब नदी का जल पर्वत से चलता है तो रास्ता स्वयं बनाता है, उसमें बाधक पत्थरों को
जो बाधा डालते हैं, बाधा डालने वाले सुंदर सात के लिए स्पेशल बताया गया। ये जो बाधक पत्थर होते हैं उनको या तो घिस करके, बार बार नदी का जल उनके ऊपर जाता जाता है, या तो घिस करके बालू बन जाना पड़ता है, या फिर नदी का जल उन पत्थरों के आसपास से अपना रास्ता निकाल लेता है, नदी का प्रवाह चल पड़ता है, वो निरुक्ता सुंदर साज। तो या तो जो भी बाधक पत्थर की भूमिका निभाते हैं बालू बनने के लिए तैयार, कभी ना कभी तो बालू बनना पड़ेगा सुंदर सा जी, धीरे धीरे ही सही, घिसाव तो जरूर होगा। तो घिसाव करने के लिए ऐसा करना ही क्यों है, क्यों ना हम नदी के पानी के प्रवाह में बह जाएं सुंदर सा जी, पत्थर की भूमिका ना निभा के छोटे तालाब की भूमिका निभाएं, छोटे नाले की भूमिका निभाएं, जो नदी में मिलकर नदी का रूप ही हो जाया करता है, और फिर ही समंदर में जा पाता है और वो समंदर ही बन जाता है। कोई नहीं कहता कि ये छोटा तालाब था, क्योंकि वो अब सागर का रूप हो चुका है, उसमें से छोटे छोटी नदियों को या छोटे छोटे तालाबों को अब अलग नहीं किया जा सकता जब वो सागर में मिल जाते हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति हमने रखनी है कि उस बहाव में बह जाया जाए, जो पिया जी की ओर से प्रेरणा आ रही है ना, उस प्रेरणा के बहाव में, उस सतगुरु रूपी नदिया में बह जाया जाए, ताकि वो उनके माध्यम से हम भी सागर के रूप हो पाए। उसी तरह से कहते हैं, यदि आप सत्य की ज्योति को ले करके चलेंगे तो क्या क्या होगा, ये पहले तैयार रहेंगे सुंदर साथ जी, घबराना नहीं है, कठिनाइयों से कभी नहीं घबराना, पार ब्रह्म की राह पे चलते हुए, सतगुरु के कदमों पे कदम धरते हुए लायक नहीं है उसके, पर ये लेकर खड़े होना है कि पिया हम भी अच्छे कार्यों में साथ देना चाहते, चाहे चिड़िया जो है ना छोटी सी बूंद ही क्यों ना लेकर जाती हो, मुझे वो चिड़िया बनाना जो पॉजिटिविटी में बूंद लेकर जा रही है। तो कहते हैं यदि सत्य की ज्योति को लेकर के चलेंगे तो उस ज्योति को बुझाने वाले कई लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन यदि आपकी आस्था पक्की अक्षरातीत पर है, आपका समर्पण उन पे है, तो संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी सत्ता नहीं है, अक्षरातीत की सत्ता के सामने किसकी होगी सुंदर सा जी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई सत्ता नहीं जो सत्य की ज्योति को बुझा सके, क्योंकि उस पर, किस पर, जो उस सत्य की ज्योति को लेकर चल रहा है, उस पर सर्वशक्तिमान पार ब्रह्म का वरद हस्त होता है, स्वयं पार ब्रह्म का वरद हस्त उसके ऊपर होता है, चारों तरफ तूफान के झंझावात हो, समुद्र में नाव डगमगा रही हो, उसमें भी नहीं घबराना कि मैं डूब जाऊंगा, हो ही नहीं सकता, लेकिन जिसके पास धैर्य होता है उसको मालूम होता है कि जिसकी कृपा के सहारे मैंने नौका में, सच की नौका में अपना कदम रखा है, वो मेरी नौका को भी पार लगाएगा, ऐसा दृढ़ ईमान सुंदर साथ जी लेके चलना है। इसलिए आप देखेंगे कि मस्कत बंदर में भी बाधाएं खड़ी होती हैं, अब्बासी बंदर में भी खड़ी होंगी, सूरत में भी खड़ी होंगी, मेड़ते दिल्ली में भी खड़ी होंगी, उदयपुर मंदसौर में, रामनगर में, पन्ना में, जहां भी ज्ञान का प्रचार किया जाएगा, ज्ञान के अवरोध अवश्य खड़े होंगे। यदि अवरोध है तो समझिए कि सच्चा ज्ञान और सच्चाई की मशाल लेकर खड़े हैं, यदि अवरोध ही ना हो तो सोचिए पता ही नहीं लग, इससे पता भी लगता है सुंदर साहब जी, अवरोध अवश्य खड़े होंगे, यदि खड़े हैं तो इसका मतलब सच पे खड़े हैं सुंदर साहब जी, लेकिन महान कौन होता है, जो कठिनाइयों से कभी घबराए नहीं, जो कठिनाइयों के डर से कार्य प्रारंभ ही नहीं करते कि आगे जाके मुश्किलें आएंगी, रास्ते में मुश्किलें आएंगी, यात्रा ही मत करो, वो क्या होते हैं सामान्य स्तर के व्यक्ति, जो कठिनाइयों से मुकाबला करने के लिए प्रारंभ तो करते हैं, बीच में ही रुक जाते हैं, वो होते हैं मध्यम स्तर के प्राणी, और जो कठिनाइयों से जूझते हुए
अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं वो सर्वोपरि होते हैं, वो महान होते हैं, ये ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण होते हैं। सुंदर सा जी जो भी बता दिया आगे उन्होंने, जो भी परम धाम के ब्रह्म मुनि होंगे जिनके हाथों में श्री राज जी ने वाणी के ज्ञान की मशाल पकड़ाई होगी, उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में, एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में संघर्ष किया होगा। संघर्ष शो करता है सुंदर साज जी, संघर्षों से घबराना नहीं, संघर्ष मिसाल है, संघर्ष गवाही है इस बात की कि हम पिया जी के राह पर उनकी ओर बढ़ रहे हैं, ये गवाही है राज जी की ओर से। पर उन संघर्षों से घबरा के ये नहीं कि शुरू ही ना करें या बीच में ही रुक जाएं, चलते जाना है, चलते जाना है, क्योंकि ये याद रखना है साक्षात पार ब्रह्म का वरद हस्त ऊपर है। लेकिन उन्होंने जीवन में हर क्षेत्र में संघर्ष किया होगा, लेकिन उन्होंने कभी हार मानना सीखा नहीं होगा। श्री जी से महाव जी भाई का कोई परिचय नहीं, लेकिन व्यवहार बनाना पड़ता है। पहुंच गए हैं मस्कत बंदर में सुंदर सा जी, चाहे वहां कोई जानता हो और चाहे ना जानता हो। अति सुंदर ये बातें। और एक मैं और आपको जरूर यहाँ पे, ये पूरा महावजी भाई का प्रसंग आ रहा है सुंदर सा जी, और उसके बाद अति सुंदर ये देखिए प्रश्न ये होता है, जब हमारी परात्म में जागृति होगी तो श्री राज जी को हम कौन सा जवाब देंगे? हमसे अच्छे तो वो दुनिया वाले हैं जो थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं लेकिन सारे संसार में फैलाने का साहस रखते हैं। हमारे पास इतना उच्च सर्वोच्च ज्ञान हमें पियाजी ने दे दिया, खजाने खोल खोल के दे दिए, क्या जवाब देंगे उनको कि हमने क्यों फैलाने की कोशिश नहीं की? हम तो डरते कांपते रहते हैं कि क्या होगा क्या होगा, क्यों क्यों ऐसे डरते कांपते रहते हैं? अपने अंदर झांकना है हम सब सुंदर साथ ने, क्योंकि रीजन दिया हुआ है जो डरेंगे क्यों कि नहीं देना इनको, नहीं बताना अपने ज्ञान के बारे में, क्योंकि हमको अभी राज्जी पर ही पूरा विश्वास नहीं है, पूरा ईमान हमें खुद ही नहीं है। जिसको ये विश्वास हो जाए कि राज्जी हमारे प्राण की नली से भी निकट आत्म हृदय में बैठे हैं, पल पल हमारे साथ हैं, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी सबको बता सकता है, कहीं भी डिंडिम घोष के साथ वाणी की गर्जना कर सकता है। लेकिन ये तो तब होगा जब हम प्रतिदिन, ये कब होगा, कैसे हो सकता है, क्यों हमारे अंदर नहीं है और कैसे हो सकता है सॉल्यूशन, ये रीजन बता रहे हैं हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। दिस इज द रीजन, क्योंकि कहते जरूर है अंदर कहीं ईमान पक्का नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? खाली प्रॉब्लम बता के थोड़ी काम चलेगा, इसका सॉल्यूशन क्या है? ये तो तब होगा जब हम प्रतिदिन श्री राज जी का ध्यान करें। चितवन करने से जो अंदर बल मिलता है ना सुंदर साहब जी, उससे बहुत सारे हमारे जो कर्तव्य राज जी ने दिए हुए हैं ना, वो सारे पूरे हो सकते हैं। और वो कर्तव्य तो होंगे ही होंगे, हमारे अंतर की यात्रा, भीतर की यात्रा, पिया जी की चितवन, उनके दीदार का जो अधिकार है, कर्तव्य भी पूरे हो जाएंगे और अधिकार भी पूरे के पूरे मिल जाएंगे। रास्ता क्या है? चितवन करना सुंदर साजी, प्रतिदिन। कोई सुंदर साथ ऐसा ना रहे जो चितवन में ना बैठता हो, प्रतिदिन, एवरी डे। थके हैं माया के कामों से, थक के आए हैं ना, करके आए हैं ना सारे माया के कार्य, पिया के लिए कुछ मिनट भी नहीं है सुंदर साजी। प्रतिदिन हमारे धाम हृदय में युगल स्वरूप की छवि बसती रहे और गहरी होती जाए। कीर्तन में आता है नित प्रते आंगनड़े उभो, नित प्रते सुंदर साजी, एवरी डे। गोपी क्या कह रही है? एक गोपी कह रही है, हे कन्हैया तुम प्रतिदिन मेरे दिल रूपी आंगन में आ जाते हो, नित प्रते आंगनड़े उभो। हमारे आंगन में, हमारे दिल के आंगन में हमारे पिया क्यों नहीं आ रहे सुंदर साजी? हमारा भी प्रतिदिन ऐसा होना चाहिए, क्योंकि गोपी के रोम रोम में बस गए हैं।
जब हम ही गोपियां हैं सुंदर साथ जी, तब मेरे रोम रोम में कैसे बसा करते थे, क्योंकि हर समय ध्यान उनकी तरफ रहता था सुंदर साथ जी। एक एक रोम से कृष्ण की आवाज आया करती थी। आज माया में कैसे इतने डूब गए हम। हमारा भी प्रतिदिन एवरी डे एवरी पल कैसा होना चाहिए कि हमारे हृदय रूपी आंगन में युगल स्वरूप की छवि एक बार एवरी डे डेली बेसिस पर एक बार दिन में जरूर बसनी चाहिए। ये तो तब होगा जब हम आंखें बंद करके अपने प्राणेश्वर को पुकारेंगे। उसके बिना सुंदर साथ जी ये हो नहीं पाएगा। तो आज से सभी सुंदर साथ ये प्रण लेंगे कि हमें एवरी डे चितवन जरूर 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 करनी है, चाहे लाख काम छोड़ने पड़ जाएं, पर इसके बिना ना तो कर्तव्य पूरे कर पाएंगे, ना अपने अधिकार ले पाएंगे, ना जो लाड़ पिया हमारे लिए लेकर आए हैं ना, भर भर के दरिया जो लाड़ के लेकर आए हैं ना, उस लाड़ के दरिया में हम डूब पाएंगे। इसलिए रोज रोज जरूर 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 चितवन करनी है सुंदर साथ जी। यदि चितवन करेंगे तो उन मस्त गोपियों के आंगन में, हमारे हृदय के आंगन में, जैसे उनके रोम रोम के आंगन में पिया बसते थे ना, ऐसे हमारे हृदय के आंगन में धनी जरूर बस जाएंगे सुंदर साहब। कहते हैं रोम, ये बुल्ले शाह जी ने लिखा हुआ है सुंदर साहब जी। यहाँ के जो फकीर हुए हैं ना, उन्होंने कितनी पहचान कर ली, और इतना ऊंचा ज्ञान लेकर हमने कितनी की, जो हम आज भी नहीं बैठते अपने पिया के ध्यान में। अपने पिया जी की मस्ती हमें मस्त क्यों नहीं करती, जो उन फकीरों को मस्त कर दिया करता है, जहां तक भी उनकी पहुंच है सुंदर साथ जी। हमारी पहुंच कहाँ तक रखी हुई है धनी जी ने, केवल निस्बत सुंदर साथ जी, रहनी में कुछ भी नहीं। क्या कहते हैं बुल्ले शाह जी, कहते हैं रोम रोम विच वास सजन दा, डाडाए दरवास सजन दा, रोम रोम विच वास सजन दा, डाडाए दरवास सजन दा। तुरपैया, तुरपई मतलब मैं चल पड़ी हूं अब, तुरपैया हुण यार दे करनू, छड़ नी सकदी ओ दे दरनू। एक बार मैं उसकी तरफ अब चल पड़ी हूं ना, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में लाख रुकावटें आए, माया की लाख घबराहटें आए, पर अब मुझे कोई रोक नहीं सकता उसके दर पर पहुंचने से, उसके हृदय मंदिर का दीदार करने से अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। तुरपैया हुण यार दे करनो, मैं छड़ नी सकदी ओ दे दरनो, दुनिया पई खसमानू खावे। दुनिया भाड़ में जाए कह रहे हैं, दुनिया पई खसमानू खावे, दुनिया पई खसमानू खावे, दुनिया पई खसमानू खावे, ओ मस्ती मैं फिर दी। ये दुनिया भाड़ में जाए, मैं तो मस्ती में मस्त हो गई हूं उसकी, मस्ती मैं फिर दी, मेरा तुणका यार बजावे। अब मैं मेरे हाथ में हूं ही नहीं, मेरा साज वो बजाता है। अब मैं नहीं बज सकती इस दुनिया में, मेरा साज कोई नहीं बजा सकता, मेरा तुणका यार बजावे, ओ मस्ती मैं फिर दी। बजाता वो है पर मस्त मैं हो जाती हूँ। आत्म ऐसी होती है सुंदर साथ जी, जीवों जैसी आत्म नहीं होती है, उसका बिल्कुल अलग रंग ढंग होता है सुंदर साथ जी।
मेरा तुणका यार बजावे, ओए मस्ती मैं फिर दी, मस्त बना देंगे बीबा, ना जाई मस्ता दे वेड़े, ना जाई मस्ता दे वेड़े, मस्त बना देंगे बीबा, ऐसी मस्ता दी यारी नी। ऐसे सुंदर साथ के सानिध्य में भी बैठेंगे ना, ऐसे सतगुरु के सानिध्य में भी बैठ जाएंगे तो क्या होगा? सुंदर साथ जी कहते हैं, ऐसी मस्ता दी यारी नी, भूल जाएगी दुनियादारी, कोई दुनियादारी याद नहीं रहेगी कि कैसे निभाना है यहाँ पे, ऐसी मस्ता दी यारी नी, भूल जाएगी दुनियादारी, जदों चढ़ गई मस्ती पारी नी, जदों चढ़ जाए राज खुमारी नी, तो क्या होगा सुंदर साथ जी? उससे मैं को अपनी हस्ती को मिटाना नहीं पड़ेगा। जदों चढ़ जाए पिया खुमारी नी, जदों चढ़ जाए मस्ती पारी नी, मिट जाओगी कैसे हटेगी सुंदर साथ जी? तेरी हस्ती मिट जाए सारी नी, इस हस्ती को मिटाना नहीं पड़ता सुंदर साथ जी, इस मैं को मिटाना नहीं पड़ता, अपने आप मिटती चली जाती है, रहनी को लाना नहीं पड़ता, रहनी आती चली जाती है। एक बार कहते उनके आंगन में बैठकर तो देखो, एक बार चितवन में बैठकर तो देखो, उस आंगन से कितनी खुशबू कितनी सुगंधी आया करती है। ना जाई मस्ता दे वेड़े, होश उड़ा देंगे बीबा, हाँ मस्त बना देंगे बीबा, रंग चढ़ा देंगे बीबा। साफ साफ यहाँ के फकीर कह रहे हैं सुंदर साथ जी कि अपना रंग वो चढ़ा देंगे, हमें नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, कुछ नहीं करना, चितवन में बैठिए, वाणी मंथन कीजिए, धनी को हर पल हर घड़ी याद कीजिए, कैसे यहाँ पर रहते रहते वो प्रेम का रंग चढ़ने लगता है, कैसे रहनी बदलने लगती है, किस प्रकार आनंद आने लगता है, सुंदर साथ जी उसका बखान नहीं किया जा सकता। इसलिए आज से रोज एवरी डे चितवन में बैठना नहीं भूलेंगे सुंदर साथ जी। आगे मस्कत बंदर के प्रसंग में क्या कहते हैं, इन चर्चा होते भया, भाई महाव जी का इत काम, कौन सा काम हो गया उनका? कहते हैं चर्चा होते होते, चर्चा के क्रम में मतलब सुनते सुनते, क्रम में रोज चर्चा सुन रहे हैं, कितने दिन हो चुके हैं, महाव जी भाई का काम हो गया, कौन सा काम हो गया? माया के काम पूरे हो गए? नहीं, क्या कहते हैं, चर्चा मीठी लगी इनको, सुनते सुनते वो मिठास उनके अंदर आने लगी है, चर्चा इतनी प्यारी, कौन सी चर्चा? चर्चा क्या होता है सुंदर साथ जी? आपस में डिस्कशन होती है, कौन सी ये डिस्कशंस हो रही हैं? पिया जी से श्री जी क्या बता रहे हैं, पिया जी की मीठी बातें, ब्रज की रास की, और जहां जहां से होकर आ रहे हैं, कौन कौन सी जागनी, कैसे कैसे सुंदर साथ बाहर निकल रहा है, जागनी की बातें, ब्रज रास जागनी, सारी बातें कितनी सुंदरता से धनी जी बता रहे हैं, वो मीठा लगने लगा है, उसमें आनंद आने लगा है महाव जी भाई को, कहते हैं फिर क्या हुआ, चर्चा जब मीठी लगने लग जाए तो आगे क्या होता है, दाखिल हुआ निज धाम। इसका अर्थ क्या है सुंदर साथ जी? उन्होंने श्री तारतम ज्ञान को ग्रहण कर लिया, जब मीठी लगने लग जाए उसके बाद उन्होंने श्री तारतम ग्रहण, क्योंकि अंदर आश्वस्त हो चुके हैं कि आई एम एट द राइट प्लेस, मैं बिल्कुल सही जगह पे हूँ, मुझे बिल्कुल सही ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो मेरे दिल को छू रहा है, जो मुझे मीठा लग रहा है, तब वो तारतम ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं। और भी केतक साथी, केवल महावजी भाई नहीं, और भी बहुत से सुंदर साथ
केतक साथी आए पहुंचे इन ठौर। महावजी भाई के घर में आकर इस मीत की प्यारी चर्चा को सुन रहे हैं श्री राज की। बहुत सुंदर सुंदर साजी, एक एक शब्द चाशनी में भिगोता हुआ। जैसे सुंदर साजी सागर है ना, मीठे मीठे सागर हैं परम धाम में, ऐसे लगता है एक एक शब्द मिठास में भिगो भिगो के राजी ला रहे हैं। खंडनी के शब्द भी इतने मीठे हो सकते हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं श्री राज की चर्चा बिना उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, सूझत नाही और, उनको कुछ सूझता ही नहीं। और पहले सुनते हैं, फिर श्री राज की चर्चा अंदर चलती रहती है पूरा दिन। क्या सुना, क्या कहा श्री जी ने, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ, मेरे दिल को कौन सी बात प्यारी लग रही। पहली बार सुन पा रहे हैं सुंदर सा जी, कितने सौभाग्यशाली हैं। श्री मुख वाणी तीन किरंतन उतरे होंगे, यही वो सुंदर साथ होंगे जिन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम सुने होंगे। अच्छा, इतनी सुंदर वाणी हमें प्रबोधित करके पिया जी कह रहे हैं सुंदर साहब जी। कहते श्री राज की चर्चा बिना सूझत नाही और, उनके मुखार बिंद से, श्री जी के मुखार बिंद से चर्चा होती भी है तो कितनी मीठी होती होगी। उनका मुखार बिंद कैसे नूर से जगमगाता होगा जब पिया जी की आवेशित वाणी उनके मुख से निकलती होगी, और उस वाणी की चर्चा जब उनके मुख से आती होगी सुंदर सा जी, सोच कर देखिए। एक दिन अब क्या होता है, इसी प्रकार का क्रम चलता है, और सुंदर साथ नए नए आ रहे हैं। एक दिन क्या होता है, एक दिन चर्चा मिने भई खंडनी महावजी पर, वाकिफ पूरा ना था साथ में अवगुण भाषा दिल ऊपर। एक दिन चर्चा में क्या हुआ, खंडनी के वचन श्री जी ने महावजी को कहे। सुंदर साथ के क्या कह रहे हैं, वाकिफ पूरा ना था साथ में, इसका कारज कारण क्या बन रहा है, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। केवल खंडनी पे ध्यान नहीं देना सुंदर साथ जी, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है उस पे भी साथे साथे ध्यान देना है। बिल्कुल, संग संग में क्यों किया धनी जी ने, उसका इफेक्ट कैसा पड़ रहा है, कैसा प्रभाव पड़ रहा है, और किसके साथ कर रहे हैं, किसके साथ नहीं कर रहे, बहुत ध्यान से सूक्ष्मता से इसको ऑब्जर्व करना है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ के समूह में रहते हुए भी वाकिफ नहीं थे, वाकिफ पूरा ना था साथ में, अभी तक उन्हें श्री जी के स्वरूप की पूरी पहचान नहीं हो पाई थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, अवगुण भाषा दिल ऊपर। तो उनकी भाषा को, उनकी द्वारा किए गए खंडनी के शब्दों को उन्होंने अपने दिल के ऊपर ले लिया कि ये मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, मैं इतनी सेवा कर रहा हूं, ये क्यों कर रहे हैं, ये बहुत ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी। हम नहीं कर सकते हैं, कोई सुंदर साथ को ये अधिकार राज्जी ने नहीं दिया है। अक्षरातीत की लीला उनके अंदर हो रही है, उनके पास ये अधिकार है, क्योंकि वो उनके अंदर देख सकते हैं कि इसके बाद इफेक्ट क्या होने वाला है। हम नहीं देख सकते कि ये होने के बाद वो जोश की लीला भी करते हैं सुंदर सा जी, क्या हम कर सकते हैं वो लीला। चिंतामणि जी की खंडनी होती है, उसके बाद सुंदर सा जी किरंतन भी उतरते हैं, उनके मुख से वैसी वाणी उतरती है, आवेशित वाणी उनके हृदय से आती है सुंदर सा जी, जिनको, क्योंकि राज्जी को पता है कि इनके बाद आफ्टर इफेक्ट क्या होने वाला है, कौन सा किरंतन, कौन सी वाणी उतरने वाली है, क्योंकि उनकी दृष्टि बहुत दूर तक तो है ही, उन्होंने प्लान किया है सुंदर सा जी। ही इज द मास्टर प्लानर, ही कैन डू एवरीथिंग, क्योंकि उनको सब पता है आगे का, हमें नहीं पता। वी डोंट हैव एनी राइट सुंदर साथ से कटु शब्द बोलने के लिए खंडनी का पर्दा सामने नहीं लगाना है कि हमने कुछ बुरा नहीं कहा था, बीतक साहब में भी खंडनी करने के लिए कहा गया है, श्री जी भी करते हैं, तो इसका आड़ा हम सुंदर साथ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम उनके बराबर नहीं है, हम उनके चरणों की धूल भी नहीं है सुंदर साथ जी। हमें
प्रेम की भाषा ही पूरी श्री मुखवाणी में सिखाई गई। हाँ, हमारे हमारे माध्यम से किरणतन नहीं उतर सकते हैं, हमारे माध्यम से जोश की लीला, जो कि तमाचा मारा श्री राज ने वो कर सकते हैं। तो ही कैन डू पर आगे के इफेक्ट्स देखिएगा कैसे होते हैं। सुंदर साज जी कहते हैं उन्होंने दिल में बुरा मान लिया, उनका ईमान पक्का करना है। सुंदर साज जी जो थोड़ी सी कमी उनको धनी जी को दिखाई दे रही है ना, ये लाड़ है पिया जी का, हल्की सी की महावजी भाई को पूरा खड़ा करना है। ये बातें महावजी भाई की याद नहीं रखनी हमने, हमने कौन सी बात उनके तमाचा याद नहीं रखना, उनकी कौन सी बात, कौन सा स्लोगन, कौन सी चौपाई हमने याद रखनी है, वो आगे आएगी। सुंदर साहब जी क्या कहते हैं? कहते हैं एक बार ना इस पे मुझे एक कुछ एक कहानी याद आई। सुंदर साहब जी 2 मिनट की है। दो दोस्त होते हैं, एक बार घर से इकट्ठे निकलते हैं यात्रा करने के लिए, पैदल चल रहे हैं, पैदल चल चल के ही यात्रा करनी है उनको। अब रास्ते में क्या होता है, खाना खा रहे होते हैं, किसी बात पे बहस हो जाती है दोनों में। अब एक दोस्त जो है दूसरे को थप्पड़ मार देता है। वो कहता है तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, बहस ही तो हुई थी। पर क्या करता है, साथ में ना बालू पड़ी होती है, रेत, तो एक डंडी लेता है, रेत पे लिख देता है कि इसने मुझे थप्पड़ मारा। आगे चलते हैं, आपस में सुलह सफाई कर लेते हैं, आगे चलते हैं। अब क्या होता है, एक चट्टान पर से माउंटेन की तरफ, कहीं पर्वतों पर्वतों की तरफ थोड़ा सा रास्ता ऐसा होता है, जा रहे होते हैं। एक चट्टान पर से जिस दोस्त को थप्पड़ मारा होता है, जिसने खाया होता है, वो उस चट्टान से फिसल जाता है और लटक जाता है उसके ऊपर, अब उसकी जान भी जा सकती है। तो जो दोस्त जिसने पहले मारा था, वो उसको अपनी जान पे खेल के उसको हाथ देता है, उसको बचा लेता है, बहुत धन्यवाद करता है उसका वो। अब इस बात को, वहां पत्थर पड़ा होता है एक, वहां कहता है रुक जाओ आधा घंटा, रुक जाओ मुझे यहाँ कुछ काम है। उस पत्थर पर आधा घंटा लगा कर उकेर उकेर कर वहां से पत्थर लेकर वहां उकेरता है कि इसने अपनी जान पे खेल के मेरी जान बचाई है। अब उस दोस्त के दिल में बात आती है, कहते पहले मैंने तुझे थप्पड़ मारा था तब तो तूने रेत पे लिखा था, ये पत्थर पे लिख रहा है। कहता है जब भी कोई अपना होता है ना, हमारे साथ कुछ बुरा करता है, तो उसको रेत पर लिखकर खत्म कर देना चाहिए, समुद्र की लहर आएगी, बहा के ले जाएगी, मिट जाएगा, यानी कि उसको जल्दी से भूल जाना चाहिए। पर यदि कोई हमारे साथ अच्छा करता है, तो उसको रेत पे नहीं लिखना चाहिए, उसको अपने दिल में लिख लेना चाहिए, उसको ऐसे पत्थर पे जिसको कभी कोई मिटा ना सके, यानी कि अमिट याद के रूप में अपने दिल में रख लेना चाहिए कि इसने मेरे साथ कितनी अच्छाई की। तो प्रेम को, सुंदर साहब जी, अच्छाई को अपने हृदय में जगह देनी है, और यदि कोई बुराई कोई कर भी रहा है, तो बालू पर लिखकर उसको भूल जाना चाहिए, उसको मिटा देना चाहिए। ये कितनी सुंदर यहाँ पे सिखापन भी दी हुई है, कैसे देखिएगा भूल जाएंगे महावजी भाई भी, और किस प्रकार राजजी उनको सिखा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि छोटी छोटी बातों को भूल जाओ, और बड़ी बड़ी जो प्यारी प्यारी बातें, सुंदर साथ प्रेम कर रहा है, जो पिया जी प्रेम कर रहे हैं, खंडनी भी उनके प्रेम का ही स्वरूप है। सुंदर साहब जी हमें सही रास्ते पर लाने के लिए कैसे दिल में बसा लेना चाहिए, उनके प्रेम की हर लीला को दिल में बसा लेना चाहिए। पर आपस में जो सुंदर साथ में, जो आपस संबंधियों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में, छोटी बातों को तूल नहीं देना चाहिए। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ को प्रेम भेजें, प्रेम पाएं। बस जिस दिन ये कंप्लीटली मिशन पूरा हो जाएगा ना, उस दिन हम घर चले जाएंगे। उस दिन स्वामी जी ने बहुत सुंदर अपनी चर्चा में सांपड़ गांव में भी बोला कि जिस दिन हम यहाँ पर प्रेम की तरंगे सुंदर साथ की ओर भेजेंगे पाएंगे, और सुंदर साथ आपस में इतने प्रेम से रहने लग जाएगा, तब समझिए हमारा घर जाना बहुत करीब है, इसकी वेट हो रही है। बस सुंदर साहब जी, कहीं मैं ही उसमें रोड़ा तो नहीं हूं, तो इस अपने मैं रूपी रोड़े को हटा देंगे। सुंदर साहब जी मैं ना जाऊं उन पे, कहते हैं अब मैं नहीं चर्चा सुनने जाऊंगा, मैं ना जाऊं उन पे चर्चा सुनने को,
बुरा मान के बैठ के देख लीजिए घर क्या होता है। सुंदर साज जी, मुझ पर करी खंडनी, क्या देखा अवगुण मुझमो, मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, अपने घर में इनको ठहराया हुआ है मैंने, इतने सुंदर साथ आते हैं उनकी भी सेवा करता हूँ, दुकान छोड़ के घर पे बैठा हुआ हूँ, सारा दिन सेवा में लगा रहता हूँ, चर्चा भी मीठी लग रही है, सुन भी रहा हूँ, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मेरी खंडनी कर दी, मैं ना जाऊं उन पे, अब मैं चर्चा सुनने नहीं जाऊंगा, किसका नुकसान भी किसका होगा सुंदर साहब जी, यदि ऐसा सोच के कोई बैठ भी जाते हैं, दोनों तरफ से दोनों पक्ष देखने हैं। सुंदर साहब जी, आज राजी तो बिल्कुल परफेक्ट एब्सोल्युटली मास्टर प्लानर है वो, पर आज की स्थिति पे यदि घटाएं तो कोई सुंदर साथ यदि दूसरे सुंदर साथ को कहते हैं दैट इज नॉट, वो ठीक नहीं है, प्रेम से समझाएं, उस पक्ष को देखें, अब सुनने वाले सुंदर साथ के पक्ष की ओर से भी देखें, यदि कह भी दिया है तो भलाई के लिए ही तो कहा है सुंदर साथ जी, इसके लिए उनकी चर्चा को नहीं छोड़ना है, यदि किसी ने कह भी दिया तो क्या हो गया, उसको बालू पर लिखिए और उसको भूल जाइए, उन्होंने जो आपको प्रेम दिया है ना वो पत्थर पे लिखिए, वो हृदय में बसाइए, छोटी छोटी बातों को भूल जाइए और उनकी चर्चा सुनने फिर भी जाते रहिए, रुकिए नहीं, मैं ना जाऊं उन पे चर्चा सुनने को, मुझ पर करी खंडनी, क्या देखा अवगुण मुझमो, क्या अवगुण दिखाई दिया, रिसाए के आप अपने रह गया घर, कहते रिसाए के क्रोध में वशीभूत होकर उसके क्रोध के बस में आकर रह गया घर में, अब घर पे ही रह गए, चर्चा सुनने गए ही नहीं, इस बार चर्चा समय ना आईया, हुआ दिलगीर राज से, राज्जी से रूठ गए दिलगीर हो गए, ये लीला कितनी सुंदर है सुंदर सा जी, रूठने मनाने की ये राज्जी से रूठने की लीला भी, ये राज्जी आनंद लेना चाह रहे होंगे उनसे कि मेरे से रूठती कैसे है, यहाँ पे परम धाम में तो रूठते नहीं सुंदर साथ ये, रूठने मनाने की लीला नहीं होती वहां पे, हम राज्जी से रूठ ही नहीं सकते वहां पे, यहाँ कितनी प्यारी प्यारी, इसमें से भी प्यार ढूंढ लीजिए सुंदर साथ जी, इसमें से थप्पड़ ना ढूंढिए, इसमें से प्यार ढूंढ लीजिए, कहाँ कहाँ पिया जी ने प्यार उसके माध्यम से प्यार उड़ेला हुआ है, क्योंकि रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, रीडिंग बिटवीन द वर्ड्स जो होता है ना वो बहुत सुंदर होता है, प्रेम ही टपकता है उसमें से, आप देखिएगा हर खाली जगह में से वो रखी इसीलिए हुए हैं, नहीं तो शायद इस माया में सारे अक्षर जुड़े हुए ही होते सुंदर साहब जी, वो राज जी ने रखे इसलिए हमारी वाणी में आने थे, कि उसमें से प्रेम टपका करता है, उन अक्षरों में से, उन शब्दों में से, मात्राओं में से, बिंदियों में से तो टपकता ही है, कोई जगह भी खाली नहीं है, भरी हुई है वो प्रेम से सुंदर सा जी, उसमें से वो ढूंढ लेना है हमने, नजर ऐसी रखनी है कि मुझे प्रेम ही दिखाई दे, अगर किसी ने कुछ किया भी ऐसा तो उसमें से भी उनकी विद्वता, उनका प्रेम ही दिखाई दे सुंदर सा। आइए कल आगे चलेंगे सुंदर सा जी, आइए जयकारा लगाते हैं और बहुत सुंदर अर्जी की ओर बढ़ते हैं, और आज का जो भी अंदर छुआ हो उसको जरूर रिपीट कीजिएगा, उन प्रणों को रिपीट कीजिएगा, प्रण को रिपीट करते करते कब चोट लग जाए, नहीं आज से मैंने बैठना है चितवन में बैठना है, और आज से कोई भी कुछ भी मुझे कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बालू पे भी नहीं लिखना सुंदर साहब जी, वो भी कुछ क्षण रह ना जाए, जब तक समुद्र की लहर आके उसको बहा नहीं जाएगी तब तक का नुकसान वो बालू पर लिखा हुआ भी कर जाएगा, हमारे पास समय नहीं है, उतना उतना समय नष्ट करने का भी समय नहीं है हमारे पास, तो उसको लिखिए ही मत यदि ऐसा कुछ हुआ है, पर यदि किसी ने प्रेम दिया है, यदि किसी ने हमारे साथ अच्छाई की है, पिया का ज्ञान हमें ला कर दिया है, पिया की बातें कोई हमें बताता है, तो उसको अपने हृदय पे जरूर अंकित कर लीजिएगा सुंदर सा जी, यही आप सबसे प्रार्थना, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, प्रणाम जी सुंदर सा जी, बहुत सारी त्रुटियां, आई एम अ बिगिनर, आई प्राउडली से आई
आई एम सो प्राउड दैट आई एम अ बिगिनर, आई वॉन्ट टू रिमेन एज अ बिगिनर, हमेशा सीखना चाहती हूँ, पर बिगिनर से गलतियां होती रहती हैं, तो इसलिए आप साथ साथ प्रबुद्ध सुंदर साथ मुझे साथ साथ क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए अति सुंदर अर्जी सबीना जी के मुखारवी से। सबीना जी शायद नहीं है मुझे ऐसा लगता है, तो कौन से सुंदर साथ आज, यदि सबीना जी नहीं है कौन से सुंदर साथ आज अर्जी बोलने की सेवा कर सकते हैं, हैंड रेज कीजिए। प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, तैसी की जियो मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जी वे जी, जीवड़ा तो जी वे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी पिया, तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम सो मेरी आस जी, आस बेरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा ओए जी पिया, सब विद सपन जो कीजियो, एति अर्ज करूं दुल हेन जी, एति अर्ज मैं तो करूं जो बीच पड़ी अंतरा ए जी पिया, अंतर आड़ी डाल के दुल्हा लीजे कंठ लगा ए जी पिया, कंठ सो कंठ लगा पिया, कीजे हार न जाए श्री द्रावती धनी, राखो चरणों के पास जी पिया, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी पिया, इश्क सो से वा करूं धनी, सब अंगों साक्षात जी पिया, सदा सुखदाता दाम धनी मैं, क्या कहूँ किन सो बात जी पिया, सदा सुखदाता दाम धनी मैं, क्या कहूँ किन सो बात जी, श्री मामति जुगल स्वरूप परवारी अंगन बल बल जात पिया, तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। प्रणाम जी, सुंदर प्रणाम। प्रणाम जी, सुरक्षा आंटी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और सुरक्षा आंटी की ये विशेषता है सुंदर साथ जी, तुरंत सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगा और आंटी हमेशा तैयार रहते हैं, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, आप ही की तरह बहुत मीठी अर्जी, प्रणाम।